ऐसे कैसे किसी को बोल सकते हो यार, मतलब थोड़ा तो इंसानियत होना चाहिए हर किसी पे कि आप ऐसे ना बोलो यार। ऐसे मेरे चैनल को डिलीट करना और इसको मार देना मेरे लिए सेम बात है। आप मतलब कोई कैसे ऐसे बोल सकता है यार कि चैनल को डिलीट कर दो। मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, मैंने क्या गलत क्या किया है आपके साथ यार। हेलो नील हर्ट्स, आई नो कि मैं हमेशा हंसते हुए वीडियो बनाती हूँ एंड हमेशा कोशिश करती हूँ हर एक वीडियो के थ्रू आपको हंसाना। आई नो कि जो 99% कमेंट्स आते हैं ना, वो प्यार वाले कमेंट्स आते हैं, वो मेरे नील हर्ट्स मुझे प्यार से लिखते हैं। बट कुछ 1% ऐसे भी कमेंट्स होते हैं जो यार आप ना पढ़ भी नहीं पाओगे, आपको रोना आ जाएगा, ऐसा वाला कमेंट्स आता है। बट कोई बात नहीं गाइस, हम ये रोने वाले कमेंट, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, ये रोने वाले कमेंट्स को देख के रोएंगे नहीं यार। आज इन्हीं लोगों का मजाक उड़ाएंगे जो मेरा मजाक बनाते हैं कमेंट सेक्शन में, और हम लोग बहुत ही ज्यादा मजे करेंगे गाइस। तो चलो आज की शाम हेटर्स के नाम, और हाँ जैसे कांटों के बिना गुलाब का फूल अधूरा है, वैसे ही हेटर्स के बिना यूट्यूब का प्यार भी अधूरा है यार। तो चलो यार आज पढ़ेंगे हम हेट कमेंट्स, और हाँ मैं कोशिश करूंगी, मुझे जितना चाहे बुरा लगे रोना आए, मैं कोशिश करूंगी पूरा वीडियो ऐसे हंसते हुए बनाने का। तो यार मजे करो, और हाँ अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो यार, बिल्कुल मुफ्त 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 है। हेटर लोग आज तो जरूर लाइक करना, तुम्हारे लिए वीडियो बना रही हूँ स्पेशल। तेरा नाखून देख के चुड़ैल की याद आती है, घर पे नेल कटर नहीं है क्या? नाखून का जवाब मैं नाखून से दूंगी यार, उंगली मेरा, नाखून मेरा, नेल कटर भी मेरा, तुमको क्या? मैं चाहे नाखून काटू चाहे ना कटू, मेरी मर्जी। नेक्स्ट कमेंट, छपरी जैसे दिखती है, इतना कलरफुल विग पहन के हीरोइन समझती है खुद को, टकली है तू, इतना नाटक मत कर। भाई साहब मैं टकली नहीं हूँ, ये जो बाल देख रहे हो ना ये मेरे असली बाल है। वैसे ये बात तो सही है कि सर्दियों के टाइम में ना मुझे बहुत ज्यादा डैंड्रफ और इची स्कैल्प तो हो ही जाता है यार, हर किसी को होता होगा। लेकिन आज मैं आपके साथ मेरे ये हेल्दी बालों का सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। यार सर्दियों के टाइम पे ना मुझे डैंड्रफ, इची, ड्राई स्कैल्प एंड फ्लेकी स्किन का बहुत प्रॉब्लम होता है, और डैंड्रफ हटाने के लिए मैं ज्यादातर एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज करती हूँ, जो कि मेरे बालों को ना बिल्कुल रफ एंड ड्राई बना देता है। इवन डैंड्रफ दूर करने के लिए मैंने बहुत सारे DIY प्रोडक्ट भी यूज किया है, जैसे कि जिंजर, लेमन और भी बहुत कुछ। बट ये सब इतना टाइम लेता है ना कि मैं फ्रिक्वेंटली कर नहीं पाती हूँ और डैंड्रफ फिर से आ जाता है। बट इस विंटर में यू कैन बी डैंड्रफ फ्री नेचुरली, और वो भी लेमन जूस और जिंजर के नेचुरल गुडनेस के साथ। इसलिए मैं यूज करती हूँ मामाअर्थ की न्यूली लॉन्च लेमन एंड जिंजर रेंज। गाइस इसके अंदर होता है नेचुरल लेमन जूस जो कि बहुत पावरफुल तो है ही, साथ ही में मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है डैंड्रफ को दूर करने के लिए। और तो और इसमें जिंजर भी है जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखता है, इसीलिए ये बहुत इफेक्टिव है एंड अप टू 100% डैंड्रफ को दूर कर देता है। साथ ही में गाइस ये प्रोडक्ट्स मेड सेफ सर्टिफाइड है, साथ ही में टॉक्सिन फ्री भी है, तो इसको आप जब भी चाहो यूज कर सकते हो रेगुलरली, एंड ये ना आपके डैंड्रफ तो दूर करता ही है, साथ ही में बालों को भी बिल्कुल शाइनी, सॉफ्ट एंड मैनेजेबल कर देता है। एंड गाइस यूज माय कोड टू गेट 20% ऑफ ऑन मामाअर्थ ऐप एंड वेबसाइट। एंड गाइस मामाअर्थ ने लिया है प्लान गुडनेस इनिशिएटिव, जहां पे आप जब भी मामाअर्थ से कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो वो आपके ऑर्डर को लिंक करेगा एक ट्री के साथ जिसको वो प्लांट करेंगे, एंड बाय द ईयर 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज। एंड गाइस अभी तक तो मामाअर्थ के प्रोडक्ट नायका, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल थे ही, अभी भी है, बट अभी मामाअर्थ के प्रोडक्ट आपके घर के सामने वाले ऑफलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। अबे मेंढक जैसी शक्ल की, आईने में मुंह देख अपना, फिर ट्रिगर्ड इंसान को प्रपोज करना। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। देख लिया आईने में, सही तो लग रही हूँ यार, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ गाइस क्या करूँ? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। फिर से ट्रिगर इंसान को प्रपोज करूँ या किसी और को, जल्दी बताओ कमेंट करके। एक ही ड्रेस कितना बार पहनेगी भिखारी, घर पे और ड्रेस नहीं है क्या? वैसे तो खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, तो ये सब ड्रेस व्रेस तो सब कुछ
वो माया है तो इनका तो मैं टेंशन लेती नहीं हूँ। और हाँ, वैसे भी मैं आपकी तरह अंबानी की बेटी तो नहीं हूँ ना, तो मेरे पास 365 डेज में पहनने के लिए 365 ड्रेस तो है नहीं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। और ऊपर से मैं टिकटॉकर भी नहीं हूँ ना, तो यूं करके ड्रेस भी चेंज नहीं कर सकती। यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर का चल जाता है यार एक ड्रेस से। वैसे अगर आप सेंड करना चाहते हो, गिफ्ट करना चाहते हो मुझे, देन ऑलवेज वेलकम यार, भेज दो कुछ कपड़े। कुछ तरीका है भीख मांगने का? जरूर पहनूंगी, वैसे मैं भिखारी हूँ ना। बड़ा मजा आ रहा है यार, चलो नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। बेशरम औरत, पैसों के लिए इतना नीचे गिर गई, रस्ते में जोतो करती है, इज्जत बेच दिया क्या? वैसे तो यार बेशरम तो मैं हूँ ही, मेरे को लेकिन गाना निकल गया है, सोचो कब हो गया ये बेशरम रंग गाना निकला है ना मुझे लेके। और यार मैंने तो रस्ते में वैसे मैं पब्लिक के अंदर जाके डांस किया है, मैं पब्लिक में जाके रोई हूँ, पब्लिक का खाना भी मैंने चुरा के खाया है, बट ये जोतो क्या होता है मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है, जोतो होता क्या चीज है, मुझे जोतो करना आता ही नहीं है यार। अगर आपको आता है तो मुझे आके सिखा दो ना, तो फिर मैं भी जोतो कर लूंगी रस्ते में, नेक्स्ट टाइम से ज्यादा व्यूज आएगा वीडियो में। तो चलो यार नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। मेकअप के बिना हिजरा लगती है तू, ताली बजाओ, हम पैसे देते हैं। पैसा ही पैसा होगा। वैसे तो यार थैंक यू सो मच, मैं बिना मेकअप के इतनी खूबसूरत दिखती हूँ वो तो मुझे भी नहीं पता था, थैंक यू यार कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। और हाँ, थोड़ा बहुत स्कूल भी जाया करो, थोड़ा लॉजिक भी अपने दिमाग में घुसाया करो यार। जैसे लड़का लड़की इन लोगों को ऊपर वाला बनाता है ना, वैसे इन लोगों को भी, हिजरों को भी ऊपर वाला ही बनाता है। तो जब ऊपर वाले ने बनाते वक्त भेदभाव नहीं किया था, तो आप क्यों कर रहे हो यार? थोड़ा स्कूल जाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ। नेक्स्ट कमेंट है, दी कुत्ती कमीनी, ये धंधा छोड़ के कुछ और कर ले, ज्यादा कमा ले। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वैसे तो यार मेरा YouTube का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना? और शाहरुख खान ने बोला है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो यार आपको भी जो धंधा पसंद है आप भी वो कर लो, और हर धंधा करने में ना बहुत मेहनत लगता है, तो आप अपने धंधे में ध्यान दो, दूसरों के धंधा में टांग मत अराओ। ओ भाई क्या कमेंट है यार, जब भी मुंह खोलता है टट्टी निकलता है, सुबह ब्रेकफास्ट में टट्टी खाती है क्या? यार मुझे तो पता भी नहीं था कि टट्टी भी खाया जाता है। जरूर आपके घर में रोज सुबह ब्रेकफास्ट में बनता होगा ना, इसीलिए आपने सोचा कि मैं भी ब्रेकफास्ट में टट्टी खाती हूँ। वैसे यार मैं तो इतना दिन सोचती थी कि टट्टी फ्लैश करने की चीज होती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि टट्टी खाया भी जाता है। वैसे यार अपने घर पे कभी बुलाओ, दिखाओ मुझे कि आप लोग कैसे टट्टी खाते हो, कितना कुछ देखना बाकी रह गया यार दुनिया में। नेक्स्ट कमेंट गाइस, पागल साली मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो जा, पहली फुर्सत में निकल। यार पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे पागल कहा, आपको मेरी अंदर की पागलपन दिखाई दिया, क्योंकि यार पता है ना कि कोई कोई प्यार में पागल होता है, कोई काम के लिए पागल होता है, और मैं मेरे नींद हर्ज के लिए इतना ज्यादा पागल हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तो यार पागलपन तो जरूरी है जिंदगी में, अगर आपके जिंदगी में पागलपन नहीं है किसी चीज के लिए, अपने पैशन के लिए, तो वो जिंदगी किस चीज की। तो थैंक यू सो मच मुझे पागल कहने के लिए। हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। क्या बकवास वीडियो बनाया है ये, हर वीडियो में इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है। इतना बोर मत कर, एक काम कर, अपना चैनल डिलीट कर दे। गाइज मुझे बहुत सारी चीज़ों को लेके हेट कमेंट आता है, और मैं हर चीज़ों को हंस के सहने की कोशिश करती हूँ, पर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। एक लिमिट होता है हर चीज़ का, आप मुझे लेके बोलो, कुछ भी बोलो, मैं हमेशा सह लेती हूँ। आप मेरी लुक्स लेके, कुछ भी लेके बोलो यार, बट ना एक यूट्यूबर के लिए उसका चैनल क्या होता है क्या आपको पता है? एक माँ के लिए उसका बेबी जितना ज़्यादा कीमती होता है ना, हर एक यूट्यूबर के लिए उसका चैनल उतना ही ज़्यादा प्यारा और कीमती होता है। एक माँ जैसे अपने बेबी को छोटा से धीरे धीरे बड़ा करती है ना, हम लोगों ने भी मतलब हमारे चैनल को आज जहाँ पे भी है उसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है। एंड आप ऐसे कैसे किसी को बोल सकते हो यार, मतलब
थोड़ा तो इंसानियत होना चाहिए हर किसी पे कि आप ऐसे ना बोलो यार, ऐसे मेरे चैनल को डिलीट करना और इसको मार देना मेरे लिए सेम बात है। आप मतलब कोई कैसे ऐसे बोल सकता है यार कि चैनल को डिलीट कर दो। मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, मैंने क्या गलत क्या किया है आपके साथ यार? क्या सोच रहे हो यार? कैसा लगा मेरा मजाक? क्या सोच रहे हो, सही में डिलीट कर दूंगी? इतना ज्यादा इतना भी महान मत सोचो। हो सकते हो कि तुम मेरे हेटर हो, आई लव माई हेटर्स टू, बट मेरे जो नीलर्स है ना, इनसे मुझे इतना 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 ज्यादा प्यार है कि तुम्हारे ये 1% हेट कमेंट से मैं इतनी सी भी इफेक्ट नहीं होती हूँ। और चैनल डिलीट करना तो छोड़ ही दो, इस साल में देखो कितना ज्यादा धमाका करती हूँ। अभी से स्टार्ट हो गया है गाइस, नेक्स्ट जितने भी वीडियोस आएंगे ना बिल्कुल धमाकेदार आएंगे। सो गाइस, आई होप कि आज की वीडियो में ये सब हेट कमेंट्स पढ़ने के बावजूद भी आपको बहुत ही ज्यादा हंसी आई होगी, क्योंकि यार मेरे हेटर्स हैं ही इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते कि क्या ही बताऊं। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दो, ठीक है ना? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, बिल्कुल मुफ्त 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 है। और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा वाला हेटर सबसे ज्यादा गंदा लगा, ठीक है? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज, लव यू।